नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण, यानी बैक्टीरिया में रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है, यदि अपन देखें, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस मतलब बदलना, परिवर्तित हो जाना, किसमें, फॉर्म में बदल जाना, फॉर्म मतलब रूप बदल जाना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम आपको एक बात बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया का एक एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम जब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यदि हम बैक्टीरिया की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया में एक्चुअल, या अपन कहें वास्तविक प्रकार का या रियल प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बैक्टीरिया में कोई गैमेट नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए कई साइंटिस्ट, या हम कहें कि बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कहा जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक पुनर्संयोजन। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पुनर्संयोजन कहा जाता है, आनुवांशिक पुनर्संयोजन कहा जाता है किसको? बैक्टीरिया में इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। हम क्या पढ़ना है? हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का टाइप है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्या कहा जाता है बैक्टीरिया में? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि बैक्टीरिया में एक्चुअल प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे गैमीट बने, स्पर्म बने, ओवम बने, फिर उसका फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, फिर वो बने, उससे एम्ब्रियो बने। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा बैक्टीरिया में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसके हम रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते। हम इसके इसको ज्यादा उचित कहना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहना ज्यादा उचित समझते हैं, किसके? बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में तीन तरह से होता है। नंबर एक जो होता है उसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन। क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन। एक प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। क्या कहते हैं? संयुग्मन। दूसरा प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और तीसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा जो है उसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन तो ये तीन प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं, देखें ट्रांसफॉर्मेशन की और भी हमको इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कहा जाता है कि ये वो पहला प्रयोग था बैक्टीरिया में। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी खोज जो है, या हम कह सकते हैं इसी के द्वारा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ही बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके द्वारा ही सबसे पहले प्रूव हुआ था, सबसे पहले सिद्ध हुआ था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है डीएनए? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि वो कौन सा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा ये सिद्ध हुआ था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वो पहला प्रयोग है जिसके द्वारा ये सिद्ध हो गया था, ये प्रूव हो गया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल।
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ऐसा मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया का एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी खोज जो है वो की थी ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी, ग्रिफिथ ने की थी। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको पूरे बता दूंगा, तो आपको सबसे अच्छा ये रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो नंबर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की, तो ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी ग्रिफिथ ने। किसने की थी, ग्रिफिथ ने की थी 1928 में, 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को खोजा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1928 में किसने खोजा था, किसने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी ग्रिफिथ ने 1928 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन से बैक्टीरिया पर खोजा गया, जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की, ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की, तो कौन से बैक्टीरिया पर, तो इन्होंने बैक्टीरिया लिया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या लिया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया इन्होंने लिया था, किन्होंने, ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ ने किसकी खोज की थी, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने कौन से बैक्टीरिया का यूज किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया का यूज किया था, किन्होंने, ग्रिफिथ ने। फिर ये पूछा जाता है कि जो किसने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या इनके जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसका समर्थन किसने किया था, उसका सपोर्ट किसने किया था, तो उसका सपोर्ट किया था तीन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। तीन साइंटिस्ट थे, एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, और इन्होंने बताया था कि ग्रिफिथ ने सिद्ध कर दिया था, इन्होंने इनके प्रयोग का समर्थन किया था कि ये है। अभी एक्सपेरिमेंट था कैसा, कैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या किया था, तो कौन से बैक्टीरिया पर किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट की। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट कैसा था उसको हम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट को अगर देखा जाए तो इस तरह से किया गया था। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट जो है वो चूहों पर किया गया था। किस पर किया गया था, चूहों पर किया गया था, ठीक है। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो पहले में क्या हुआ था, पहले इन्होंने लिए थे, अब हम आपको बता दें, इन्होंने ये लिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। क्या लिए, ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है। लेकिन डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आर सेकंड। क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आर सेकंड। आर सेकंड जो फॉर्म होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, ये रोग पैदा नहीं करता। आर सेकंड कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब रोग पैदा नहीं करता है, नॉन वायरुलेंट होता है। इसके लिए हम मेनली शब्द यूज करते हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं बाद में मिटा देंगे, इसको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो डिसीज पैदा नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक, या इसी को बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। क्या बोलते हैं, नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक का मतलब हो गया ये जो है वो रोग पैदा नहीं करता, कौन, ये बैक्टीरिया। तो आर सेकंड को वैसे हम रफ कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, रोग नहीं करता है। क्या किया था ग्रिफिथ ने, कैसे किया था, इन्होंने आर सेकंड बैक्टीरिया को लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इनको इनकी एक सिरिंज भरी, इनको एक इंजेक्शन लिया, और इस इंजेक्शन को इन्होंने चूहों में लगा दिया। क्या करा इन्होंने, इस इंजेक्शन को चूहों के अंदर लगा दिया। जब इन्होंने इस इंजेक्शन को चूहों के अंदर लगाया, ठीक है, चूहे थे, जब इन्होंने इस इंजेक्शन को भर के चूहे के अंदर लगाया तो चूहे नहीं मरे। इसको लगाया गया, इस चूहे में लगाया गया, चूहे में लगाया गया तो चूहे नहीं मरे। चूहे कैसे रहे, चूहे लाइव, मतलब चूहों की डेथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई डेथ,
क्योंकि जब हमने आर सेकेंड बैक्टीरिया था, आर सेकेंड बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब में भरा और हमने आर सेकेंड बैक्टीरिया को इस बॉडी में इंजेक्ट करा, जब हमने इसकी चूहे की बॉडी में, रैट की बॉडी में इस आर सेकेंड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, आर सेकेंड बैक्टीरिया को हमने रैट की बॉडी में लगाया, तो क्यों नहीं मरे? क्योंकि जो आर सेकेंड बैक्टीरिया थे वो नॉन पैथोजेनिक थे, यानी चूहे को निमोनिया नहीं हुआ, चूहा को निमोनिया नहीं हुआ, चूहा लाइव रहा, चूहे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे प्रयोग में हमने एस सेकेंड बैक्टीरिया लिया, एस थर्ड, सॉरी, क्या लिया? एस थर्ड बैक्टीरिया ले। एस थर्ड बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होता है, ये है कौन सा बैक्टीरिया? एस थर्ड बैक्टीरिया जब हमने लिया और हमने एस थर्ड बैक्टीरिया को फिर से वही दोहराई पूरी प्रोसीजर, हमने एस थर्ड बैक्टीरिया को लिया, एस थर्ड बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, एस थर्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं, ये रोग पैदा करते हैं। क्या करते हैं ये रोग पैदा करते हैं? कौन? एस थर्ड बैक्टीरिया। तो एस थर्ड बैक्टीरिया रोग पैदा करेंगे, तो इन्होंने इसको लिया, लिया फिर से इन्होंने इसको चूहे को लगाया। किसको लगाया? चूहे को लगाया, ठीक है, चूहे को लगाया गया। जब चूहे को लगाया गया तो चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा? चूहा मर जाएगा, डाई हो गया। अब देखो चूहा क्यों डाई हो गया? क्योंकि एस थर्ड बैक्टीरिया कैसे थे? पैथोजेनिक है, ये रोग पैदा करते हैं। जब इसको इस चूहे में डाला गया, इनको इसमें इंजेक्ट किया गया, तो चूहे को निमोनिया रोग हो गया और उस निमोनिया रोग के कारण चूहे की डेथ हो गई। तो ये पता चला कि एस थर्ड बैक्टीरिया जो है वो रोग पैदा करता है, ठीक है। एस थर्ड कैसा है? पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है, ठीक है। फिर तीसरे प्रयोग में क्या हुआ? उन्होंने एस थर्ड बैक्टीरिया को लिया। किसको लिया? एस थर्ड बैक्टीरिया को लिया, ये है एस थर्ड बैक्टीरिया। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या करा? एस थर्ड बैक्टीरिया को लिया, ये एस थर्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। और एस थर्ड बैक्टीरिया को अब की बार उन्होंने गर्म कर दिया, एस थर्ड बैक्टीरिया को क्या कर दिया? गर्म कर दिया, ठीक है, ये हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। एस थर्ड बैक्टीरिया को क्या करा उन्होंने? हीट करा, ठीक है। ये एस थर्ड बैक्टीरिया था, इसको उन्होंने हीट कर दिया, ये हो गया, इसकी हीट हो गई। ये एस थर्ड बैक्टीरिया को हीट कर दिया, एस थर्ड बैक्टीरिया हीट हुआ तो क्या हुआ? फिर इसको भरा, इंजेक्शन में लिया और इंजेक्शन में लिया और फिर इसको रैट को लगाया, ठीक है, रैट को लगाया, ए रैट को लगाया, इंजेक्शन रैट को लगा दिया। तो अब रैट मरेगा कि जीवित रहेगा? रैट जीवित रहा। क्यों? देखो रैट लाइव। क्यों? क्या हुआ? देखिए आप इसमें क्या हुआ, जब एस थर्ड बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया है? एस थर्ड बैक्टीरिया है। जब एस थर्ड बैक्टीरिया को गर्म करके लगाया गया, जब एस थर्ड बैक्टीरिया को गर्म किया जाता है तो उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, उसके जो रोग करने का गुण होता है वो नष्ट हो जाता है, रोग करने का गुण डिस्ट्रॉय हो गया, रोग करने की प्रॉपर्टी जो उसकी खत्म हो गई, तो अब वो रोग नहीं कर सकता है, वो डिसीज पैदा नहीं कर सकता, वो निमोनिया पैदा नहीं कर सकता। किसमें? चूहे में। तो अब इसको लगाया, इसको इसमें लगाया, तो ये चूहा जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि चूहे को निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि हमने एस थर्ड को गर्म कर दिया, एस थर्ड को गर्म करने के कारण उसकी जो डिसीज्ड प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। अब जो चौथा एक्सपेरिमेंट था वो बहुत खास एक्सपेरिमेंट था। चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आर सेकेंड बैक्टीरिया लिए गए, ये क्या थे? आर सेकेंड। और क्या किया गया? एस थर्ड बैक्टीरिया लिए गए। और क्या लिए गए? एस थर्ड बैक्टीरिया लिए गए, एस थर्ड बैक्टीरिया लिए गए। अब क्या हुआ, आर सेकेंड बैक्टीरिया को, आर सेकेंड बैक्टीरिया को, ठीक है, ये आर सेकेंड बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको यूं ही लिया गया, और यहां पर जो एस थर्ड बैक्टीरिया है उसको गर्म किया गया। एस थर्ड बैक्टीरिया को क्या किया गया? गर्म किया गया, ठीक है। जब एस थर्ड बैक्टीरिया और आर सेकेंड बैक्टीरिया को गर्म किया गया और दोनों को फिर मिलाया गया, दोनों को मिलाया गया, जब एस थर्ड और आर सेकेंड बैक्टीरिया को गर्म किया गया, फिर दोनों को मिलाया गया, फिर इससे सिरिंज भरी गई, एक उसमें भरा गया और इसको फिर चूहे को लगाया गया, चूहे को लगाया गया। तो चूहा क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए? नहीं, चूहा जीवित रहना चाहिए। क्यों? क्यों रहना चाहिए जीवित?
क्योंकि आर सेकंड से भी नहीं मरता है चूहा, ठीक है, और एस थर्ड को गर्म, देखो आर सेकंड से नहीं मरता है चूहा, ठीक है, एस थर्ड को भी गर्म करके लगाते हैं तो भी चूहा नहीं मरता। तो यहां पे हम वही तो कर रहे हैं, आर सेकंड को और एस थर्ड को गर्म करके लगाए आर सेकंड को, तो इससे चूहा नहीं होना चाहिए, चूहा लाइव होना चाहिए, चूहा जीवित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों क्यों सुने, जब हम आर सेकंड को एस थर्ड के साथ मिलाते हैं, यहां पर एस थर्ड है, यहां पर कौन सा है, एस थर्ड है, ये है एस थर्ड, ये क्या है, एस थर्ड है, और ये आर सेकंड है। जब आर सेकंड को एस थर्ड के साथ मिलाया जाता है तो एस थर्ड का डीएनए, एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड में चला जाता है। कहां चला गया, एस थर्ड का डीएनए कहां चला गया, आर सेकंड में गया। जब एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड में गया, जब एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड में गया, तो आर सेकंड जो है वो चेंज हो गया, आर सेकंड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, आर सेकंड बदल गया। किस चीज में बदल गया, आर सेकंड बदल गया एस थर्ड में, यानी आर सेकंड ट्रांसफॉर्म हो गया, काय में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एस मतलब जो आर सेकंड के अंदर जो नॉन पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी वो एस थर्ड के डीएनए के कारण उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी हो गई, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी आ गई, उसके अंदर रोग करने की क्षमता आ गई। रोग करने की क्षमता आर सेकंड के अंदर कहां से आई, एस थर्ड के डीएनए के कारण आई। एक्चुअल में एस थर्ड में, एस थर्ड का डीएनए जब एस थर्ड नष्ट होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, तो एस थर्ड का डीएनए किसके अंदर प्रवेश कर गया, आर सेकंड के अंदर चला गया। जब एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड के अंदर चला गया तो एस थर्ड के डीएनए के कारण आर सेकंड जो है वो एस थर्ड की प्रॉपर्टीज गेन कर ली, यानी वो एस थर्ड बन गया। क्या बन गया, तो इसमें क्या हो गया, आर सेकंड का रूप बदल गया, आर सेकंड रूपांतरित हो गया। किसमें रूपांतरित हो गया, एस थर्ड में रूपांतरित हो गया, इसलिए इसका नाम है रूपांतरण। रूपांतरण क्यों कहते हैं, क्योंकि एस थर्ड किसमें रूपांतरित हो गया, आर ए आर सेकंड किसमें रूपांतरित हो गया, एस थर्ड में, और किसके कारण रूपांतरित हुआ, किसके कारण, एस थर्ड के डीएनए के कारण। एक्चुअल क्या हुआ, एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड में चला गया, तो आर सेकंड ट्रांसफॉर्म हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। क्यों डाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एस थर्ड जो है ने अपना डीएनए आर सेकंड को दे दिया। तो यहां पर पहली बार पता चला था कि किसी भी चीज में या किसी भी जीव में डीएनए का ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रयोग से सिद्ध हुआ था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्यों, क्योंकि आर सेकंड में प्रोटीन नहीं जा रहा है, आर सेकंड में क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है बस में। और एबरी मैक्लियोड और मैककार्टी जो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बताया था कि जो आर सेकंड का डीएनए एस थर्ड का डीएनए ही आर सेकंड के अंदर जाता है। किसका डीएनए, एस थर्ड का डीएनए किसके अंदर चला जाता है, आर सेकंड के अंदर, जब हम इसको दोनों को संपर्क में लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रयोग को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है जो आते हैं। एक तो ग्रिफिथ वाला आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की, ग्रिफिथ ने की, कौन से बैक्टीरिया पर की, डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर की। ऐसा कौन सा प्रयोग था जिसके द्वारा पहली बार सिद्ध हुआ कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, तो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो समर्थन है ग्रिफिथ के प्रयोग का, वो किया था तीन साइंटिस्ट, एबरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने, और किया इस तरह से, प्रयोग हुआ था आर सेकंड एस थर्ड और इनको मिला के लगाया था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।